के भीतर दांत नहीं हैं, कुछ ऊंचा भी सुनती हैं। दुबले पतले हाथों से वह स्वेटर मेरा बुनती हैं। छोटे छोटे कोर बनाकर मुझको सदा खिलाती हैं। राजा रानी वाले किस्से मुझको रोज सुनाती हैं। मगर उनका दिया हुआ प्यार मैं ना कभी उनको दे पाया। गुस्सा करके उन पर चिल्लाकर उनको बस रुलाया। माफ करो दादी जी, मैं ना आपका हाथ पकड़ पाया। आपको प्यार कर पाया, बस दिया तो एक खाली कमरा और एक खाली दिल। प्यार और आदर करना जो आपने बचपन से सिखाया, भूल गया मैं। माफ करो दादी जी, मैं ना आपका हाथ पकड़ पाया। बुजुर्ग लोगों को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण चेतनालय ने अडोब के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू किया, शेयरिंग एंड केयरिंग ऑफ एल्डरली पीपल, बुजुर्गों की साझेदारी और देखभाल। यह परियोजना जनता कॉलोनी और सुंदर नगर में लागू की गई थी। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य बुजुर्गों की स्थिति में सुधार एवं विभिन्न पीढ़ियों के बीच अंतरों को कम करना था। लगभग 200 युवाओं के साथ 6 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें वीडियो और रोल प्ले के माध्यम से बड़ों की चिंताओं के बारे में संवेदना शामिल थी। पीढ़ियों के बीच संबंधों पर युवाओं के साथ चर्चा की गई और पीढ़ी अंतराल के महत्व का और कारण के बारे में बताया गया। जनता कॉलोनी एवं सुंदर नगर के 120 युवाओं और बुजुर्गों को शामिल करते हुए 8 इंटरैक्टिव सेशन आयोजित किए गए। 102 नॉट आउट नामक एक प्रेरक फिल्म दिखाई गई, जिसने उन्हें अपने जीवन के बाद के वर्षों में खुशी दृष्टिकोण करना सिखाया। भारत के बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य शिक्षा और कानूनी सेवाओं पर एक सत्र आयोजित किया गया। कैरम, लूडो, पजल जैसे इंडोर खेलों का आयोजन किया गया, जहां युवा और बुजुर्ग एक साथ खेल सके, जो भाग लेने वाले सदस्यों को बातचीत करने का बढ़ावा देता है। ये कार्यक्रम बड़े लोगों को दोस्तों से मिलने और एक दूसरे की कंपनी में खुश रहने का माहौल प्रदान करता है। सुंदर नगर और जनता कॉलोनी में हर महीने शेयर एंड केयर अभियान आयोजित किया जाता है। कुल मिलाकर 159 बुजुर्गों को शामिल किया गया है। जन्मदिन समारोह, रोल प्ले, म्यूजिकल चेयर्स जैसे सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से युवाओं और बड़े सदस्यों के लिए ताजा भोजन बनाया, जो उनके लिए सबसे अच्छा अनुभव था। इसके अलावा ठंड के मौसम में गर्म मोजे साझा किए गए थे और गर्मियों में नींबू का रस और पानी परोसा गया था। दोनों क्षेत्रों में 22 हेल्थ कैंप्स आयोजित किए गए थे, जो पोषण और सामान्य स्वास्थ्य के बारे में थे। हेल्थ कैंप्स उन लोगों के लिए आयोजित किए गए जो 60 साल से अधिक उम्र के थे और अपनी दवाइयों के लिए खर्चा नहीं कर सकते थे या अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में नहीं जा सकते थे। सुंदर नगर और जनता कॉलोनी के 100 बुजुर्गों और 20 युवा वॉलंटियर्स इस्कॉन मंदिर, इंडिया गेट और बिरला मंदिर गए और एक साथ दोपहर का भोजन किया। इस यात्रा में सभी बड़ों को बहुत ताजा महसूस कराया। Thank you for watching. Please like, share and subscribe.